हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो तो आपको वीडियो के थंबनेल से पता चल ही गया होगा कि IRCTC का जो शेयर है, इंडियन रेलवेज का जो शेयर है, वो अभी करंट प्राइस चल रहा है 1329। तो वो 1329 पे नीचे गिरेगा या फिर 2500 तक जाएगा, उस बारे में आज डिस्कस करेंगे और क्यों जाएगा वो भी लॉजिक से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ पे मैं लॉजी का टिकट यूज़ करता हूँ जो कि बहुत सिंपल और इजी टू यूज़ है। तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट किया IRCTC और ये IRCTC में हम जाएंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नेट सेल्स, अदर इनकम, टोटल एक्सपेंसेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इंटरेस्ट, डिविजन, टैक्स, नेट प्रॉफिट, बहुत कुछ है। तो हम एक एक करके सारे चीज़ को समझेंगे। आप राइट से बिल्कुल लास्ट वाला कॉलम देखना क्योंकि वही मार्च 2019 का है। तो पहले हम नेट सेल्स देखते हैं। एक सेकंड। हाँ, तो सबसे पहले हम देखेंगे नेट सेल्स। नेट सेल्स मतलब IRCTC, जैसे कि हम सबको पता है कि IRCTC एक रेलवे कंपनी है। तो IRCTC का नेट सेल मतलब नेट सेल उसका जो मेन इनकम रिसोर्स है वो है उसका टिकट से आता है, टिकट सेलिंग से। तो जो भी नंबर्स आपको दिखेंगे वो सब क्रोड्स में होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है 1868.24 करोड़। इतने रुपए का इन्होंने मार्च 2019 तक सेल किया है, मार्च 2018 से। अब दूसरे में जाते हैं हम, वो है अदर इनकम। अदर इनकम में जैसे कि अब जो कि है मतलब ट्रेन में जब हम जाते हैं तो खाना वाना मील विल लेते हैं, उस मील के लिए जो IRCTC को पे करना पड़ता है हमें, वो अदर इनकम में आता है। वो है 88.78 करोड़ रुपीज़। तो हम तीसरे में आते हैं जो है टोटल एक्सपेंडिचर। टोटल एक्सपेंडिचर मतलब IRCTC के वो अपना ये रेलवे का बिजनेस चलाने के लिए कितना खर्च करना पड़ता है, जो कि है 1487.49 करोड़। मतलब IRCTC का, फॉर एग्ज़ाम्पल IRCTC को स्टाफ को सैलरी देना पड़ता है, IRCTC को ट्रेन्स का मेंटेनेंस करना पड़ता है, वो सारा मिला के होता है 1487.49 करोड़। दूसरा है ऑपरेटिंग प्रॉफिट, मतलब IRCTC के पास प्रॉफिट कितना बचता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब जो प्रॉफिट कंपनी को होता है वो होता है 469.52 करोड़ रुपीज़। अगला जो हमारा आता है, तो नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल IRCTC ने कहीं पे भी कोई लोन लिया है बैंक से उसके बिजनेस को ग्रो करने के लिए, तो उस लोन के ऊपर उसको हर साल जो इंटरेस्ट देना पड़ता है वो दिखाता है इंटरेस्ट, जो कि है 2.35 करोड़ रुपीज़, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है IRCTC जैसे शेयर के लिए। जो हमारा आता है वो है डिप्रिसिएशन। डिप्रिसिएशन मतलब फॉर एग्जांपल आपके IRCTC के एग्जांपल लेते हैं, IRCTC को अपना बिजनेस चलाने के लिए जो जो चीज़ नेसेसरी है, फॉर एग्जांपल IRCTC को फ़ैन चाहिए ट्रेन में, लाइट चाहिए बोगी के लिए, रॉ मटेरियल्स चाहिए, वो सब IRCTC के डिप्रिसिएशन में आएगा। मतलब ये डिप्रिसिएशन भी टोटल प्रॉफिट से आपका माइनस होता है। तो IRCTC का जो डिप्रिसिएशन है वो है 28.64 करोड़। अगला जो आता है वो हमारा आता है एक्सपोनेंशियल आइटम्स। एक्सपोनेंशियल आइटम्स मतलब जो प्रॉफिट मतलब अनएक्सपेक्टेड था। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं तो मैं नेक्स्ट टॉपिक पे इसके बारे में वीडियो बताऊंगा। तो IRCTC का जो एक्सपोनेंशियल आइटम आता है वो आता है 37.39 करोड़।
हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। टैक्स देने से पहले, ये तो सबको पता ही, टैक्स देने से पहले IRCTC को जितना प्रॉफिट होता है वो होता है 475.93 करोड़। नेक्स्ट आता है हमारा टैक्स, जो कि है IRCTC को 170 करोड़ रुपीस टैक्स ही देना पड़ता है। मतलब यह से आप समझ सकते हैं कि मतलब कंपनी का टैक्स, अगर कंपनी का शेयर खरीद लेंगे तो अब कैसा लगा। नेट प्रॉफिट जो होता है वो है 305.93 करोड़ रुपीस, जो कि IRCTC का नेट प्रॉफिट है। और हमारा अगला जो आता है एडजस्ट EPS। एडजस्ट EPS ये एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है, मैं आपको किसी और वीडियो में अच्छे से समझाऊंगा। तो इधर हम देख लेते हैं कंपनी का मार्केट शेयर। अब अगर देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं शेयर होल्डर पैटर्न, मतलब कंपनी के कौन से लोगों के पास कितना परसेंट का शेयर है। जैसे अगर हम प्रोमोटर्स को हटा देते हैं तो यहाँ पे सब 5.49% है पब्लिक के पास, DII के पास 5.11, FII के पास 1.99 एंड अदर्स के पास 0.01%। और प्रोमोटर्स के पास अगर हम देखेंगे तो 87.4% शेयर इस कंपनी का प्रोमोटर्स के पास है। मतलब जो प्रोमोटर्स है कंपनी का, उसका इस कंपनी के पूरा भरोसा है। तो अगर हम IRCTC का चार्ट देखते हैं, तो हम लाइव ये ट्रेडिंग व्यू का सॉफ्टवेयर मैं यूज़ करता हूँ चार्ट देखने के लिए। तो IRCTC का जो डेली का चार्ट है वो अगर हम देखेंगे, ये मतलब जब ये ओपन हुआ था तो 677 पे चला था एंड हाई तक ये 19 के आसपास गया था, 1900 के आसपास गया था। तो देखिए यहाँ पे इसने, मैं एक अगर शॉर्ट टर्म हम ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं, यहाँ पे इसने एक ट्रेंड लाइन ब्रेक किया है और यहाँ से यहाँ तक इसने अप्रोक्सीमेटली 569 पॉइंट का रैली किया है, जो कि 62% के आसपास आता है। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक जब आया है तो हम ये नहीं सोच सकते कि यहाँ से यहाँ तक जाएगा, क्योंकि कोई भी शेयर एक बार बॉटम बना के ऊपर नहीं जाता, वो दूसरी बार उस बॉटम पे ज़रूर आता है। तो यहाँ से ये ऊपर नहीं जा सकता, मेरे ख्याल से, मेरा एक्सपीरियंस कहता है यहाँ से ये फिर से नीचे आएगा और ये एक W पैटर्न बना के ऊपर जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एक सपोर्ट लिया, यहाँ पे ऊपर नहीं, ऐसे नहीं जा सकता कोई शेयर। एक शेयर हमेशा ऐसे जाता है, फिर आता है, फिर थोड़ा ऊपर जाता है, फिर उस बॉटम को सपोर्ट लेता है और फिर वो ऊपर जाता है। तो ये एक बहुत ही अच्छा फाउंडेशन फॉर्म हो रहा है। तो जैसे ही ये थोड़ा नीचे 1200 के आसपास आए तो हम इसे खरीद सकते हैं, बस यही था। और IRCTC हर साल अपने शेयर होल्डर्स को 10 रुपीस का डिविडेंड देता है, जिसका प्रूफ भी मैं आपको वीडियो के एंड में दे दूंगा। थैंक यू। सो ये तीन रीजंस है जिसके कारण मैं बोल रहा हूँ कि IRCTC का शेयर फ्यूचर में 2023 या 2025 तक ऊपर जा सकता है। तो पहला जो रीज़न है वो है COVID-19, यानी कि कोरोना वायरस का भी जो इफेक्ट चल रहा है, इसके कारण सारे ट्रेन्स बंद है, मतलब सारे ट्रेवल्स बंद है। तो इस COVID-19 के चलते ट्रेन्स IRCTC का कोई खास प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसलिए आपने देखा कि IRCTC का जो शेयर था वो ऐसे ऊपर गया, उसके बाद नीचे आया। आपने वीडियो में अगर आप बैक में जाके देखेंगे तो जहाँ से उसने ये नीचे डाउन रैली चालू किया है, एग्जैक्टली इस जगह ये April 2020 है, मतलब तभी से जब लॉकडाउन शुरू हुआ था। तो लॉकडाउन जब उठेगा तो IRCTC का प्रॉफिट भी बढ़ेगा, तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि IRCTC का ये शेयर ऐसे ऊपर जा सकता है एक W पैटर्न बना के। दूसरा जो रीज़न है वो है 2025 तक का बुलेट ट्रेन। अब सबको पता है नरेंद्र मोदी जी हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने जापान के साथ कोलैबोरेशन किया है और उन्होंने कहा है कि 2025 तक हमारे देश में भी बुलेट ट्रेन चालू हो जाएंगे, जो कि एक बहुत ही बड़ा स्टेप है IRCTC के लिए और इंडियन रेलवे के लिए भी। तो ये एक बहुत ही बड़ा मौका हो सकता है। और तीसरा जो हमारा है वो है
ट्रैवल, क्योंकि इंडिया में ट्रैवलिंग का बहुत ही स्कोप बढ़ रहा है, ट्रैवल एजेंसीज बढ़ रहे हैं। सो ट्रैवलिंग के लिए जो सबसे बेस्ट लोग समझते हैं वो है रेलवे। तो रेलवे में अगर होगा तो IRCTC को प्रॉफिट होगा। तो ये तीन मेन रीजन्स है जिसके कारण मुझे लगता है कि IRCTC का शेयर फ्यूचर में ऊपर जा सकता है। और वीडियो अच्छा लगा तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और नहीं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।